आइए आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर डिफरेंशिएशन का एक नया पैटर्न बताता हूँ। देखिए इसको, हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स और कॉस फोर एक्स। इस चीज को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरीके के फंक्शन किस तरीके से डिफरेंशिएट किए जाते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स और कॉस फोर एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस टू एक्स, लॉग कॉस थ्री एक्स, लॉग कॉस फोर एक्स और यहाँ पे ये लॉग हुआ है। इसके बाद में हम डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे इसको, लॉग हुआ है, कॉस फोर एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos x, cos x का माइनस साइन x, इसका 1/cos 2x और cos 2x का साइन 2x, माइनस का साइन और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और होगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन एज्यूम करके करेंगे तो उसका 2 सामने आ जाएगा। इसी तरीके से इसका -3 sin 3x, ये भी वैसे सेम cos 4x into -4 sin 4x। अब sin 4x upon cos 4x क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, 10x। इसका ये 3 tan 3x और ये 4 tan 4x, ये हो गया। अब सब में से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, वाई का इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाई हो गया, माइनस कॉमन और आ गया, क्या बच गया यहाँ पे 10x। अब हम इसके बाद में यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली जो शुरू में एज्यूम की हुई थी, -cos x cos 2x cos 3x cos 4x, और बाकी का ये पूरा एज इट इज वैसी। ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन पूरा। ये एक जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो वो इस तरीके के पैटर्न में इसको किया जाता है।